वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाएं, साइड में जो बेल आइकन है उसको ऑल प्रेस करें, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें नाइस वीडियो जरूर लिखें। टेक्निकल एम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्लिपकार्ट पर एक ऑप्शन है पे लेटर का, आज हम इसी के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, फ्लिपकार्ट पर सेल चली हुई है 23 सितंबर से 30 सितंबर तक। यदि कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप सस्ते दाम में खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप फ्लिपकार्ट के पे लेटर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप फ्लिपकार्ट को ओपन करेंगे आपने अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं अकाउंट वाले ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, फ्लिपकार्ट पे लेटर। हम पे लेटर के बारे में बात करेंगे तो पे लेटर पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों आप पे लेटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले आपने पैन नंबर यहां पर डाल देना है। दोस्तों मैं यहां पर पैन नंबर डाल देता हूं। उसके बाद एक्टिवेट नाउ पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों आपने अपना आधार नंबर डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक OTP आएगा आपके आधार नंबर वाले मोबाइल नंबर पर, तो आपने OTP यहाँ पर डालकर वेरीफाई कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने बैंक डिटेल का एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप UPI ID डाल सकते हैं या फिर बैंक खाता भी डाल सकते हैं। बैंक खाता डालने के लिए आप देख सकते हैं नीचे ऑप्शन है चूज बैंक अकाउंट, इस पर आप क्लिक करके बैंक डिटेल डाल सकते हैं। बाद आपने वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। मुझे जो है लिमिट मिली है 5000 तक की, मैं दोस्तों शॉपिंग कर सकता हूं। जैसे ही दोस्तों आप पे लेटर पर सभी डिटेल कंफर्म कर देते हैं उसके बाद आप फ्लिपकार्ट पे लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं आपका अवेलेबल बैलेंस कितना है और कितने की आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर पर क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा अवेलेबल क्रेडिट बैलेंस 15000 है। आप देख सकते हैं EMI के अकॉर्डिंग मैं 15000 का कुछ भी ले सकता हूँ और अपग्रेड हो जाएगा ये 15000, भी ज़्यादा 15000 इसमें ऐड हो जाएंगे, ऐसा इसमें दिखाया है। यदि दोस्तों आप इसकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है वी हैव अपडेटेड आवर फीस पॉलिसी क्लिक केयर टू नाउ मोर, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नीचे की साइड हम क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ए बिल विल बी जनरेटेड ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, यानी कि महीने के फर्स्ट तारीख को का बिल जो है जनरेट होता है और 5 तारीख तक इसको आप पे कर सकते हैं। 5 तारीख के बाद इस पर पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं इंस्टेंट रिफंड, इस दिन के लिए कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ता, या आप देख सकते हैं 1 क्लिक पेमेंट हो जाएगी। तो खास बात इसकी ये है आप पे लेटर वाले ऑप्शन को कुछ अलग वेबसाइट पर भी यूज कर सकते हैं जहाँ पर पे लेटर का ऑप्शन दिया हुआ है।